बस्तर में जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो माओवादी मारे जाएं या जवान शहीद हों या कोई ग्रामीण मारा जाए, उस घटना को रिपोर्टिंग करना हर किसी को लगता है कि उसकी सच्चाई सामने लेकर आनी चाहिए, लेकिन कई दफ़े इतना आसान होता नहीं। रास्ते में कई समस्याएं आती, कई परेशानियां आती हैं और अलग अलग तरीके से आपको रोका जाता है, जिसके पीछे कारण अलग अलग होते हैं। और ये महज इत्तेफाक ही था कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सूत्र से ऐसी तस्वीरें हाथ लग गई थी जिससे कि वो पूरे मुठभेड़ पर ही सवाल उठ गया। जानकारी थी कि मीडिया आज वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएगी और अगर ग्राउंड पर जाएगी तो वहाँ की क्या सच्चाई है वो सामने आ सकती है। तक हमें जाने नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा इस पर सवाल है। बस्तर में जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो माओवादी मारे जाएं या जवान शहीद हों या कोई ग्रामीण मारा जाए, उस घटना को रिपोर्टिंग करना हर किसी को लगता है कि उसकी सच्चाई सामने लेकर आनी चाहिए, लेकिन कई दफ़े ये इतना आसान होता नहीं। रास्ते में कई समस्याएं आती, कई परेशानियां आती हैं और अलग अलग तरीके से आपको रोका जाता है, जिसके पीछे कारण अलग अलग होते हैं। क्या क्या कुछ कारण हैं और क्या कुछ समस्याएँ आती हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि कल जो मुठभेड़ हुई है 2 अप्रैल को बीजापुर के कोरचोली इलाके में, जहां 13 माओवादी मारे गए और एक LMG और कुछ वेपन वहां से रिकवर किए गए हैं और साथ ही साथ अन्य जो हथियार भी बरामद किए गए। कई दर्शकों का कहना था कि सर इस पर ग्राउंड रिपोर्ट की जाए, क्योंकि इसके पहले भी बीजापुर में जिस तरह से 6 माओवादी मारे गए थे उसकी भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। और ये महज इत्तेफाक ही था कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सूत्र से ऐसी तस्वीरें हाथ लग गई थी जिससे कि वो पूरे मुठभेड़ पर ही सवाल उठ गया था। सवाल बड़ा था क्योंकि जिन माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था, दरअसल उनकी जिंदा तस्वीर भी हमारे हाथ लग गई थी, जिसमें वो माओवादी जिंदा थे। माओवादी हैं इसलिए मार देना सही है, ये इस बात को लेकर मैंने कुछ सवाल दर्शकों पर छोड़ा था। तो इसी तरह से आज भी 13 माओवादी मारे गए थे और आज जवानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। कारण ये है कि 13 माओवादी उस दिन मारे गए हैं, मतलब आज 3 तारीख है, एक दिन पहले ही, और आज 3 अप्रैल है। आपको याद हो कि 3 अप्रैल 2021 को इसी बीजापुर जिले से सीमावर्ती इलाके टेकलगुड़म में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें CRPF के 21 जवान शहीद हो गए थे। और आज उस घटना को 2024 3 साल बीत गए और ठीक इसी समय में जवानों ने, अगर माना जाए जो मुठभेड़ हुई, कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं जिसमें गोलियों के चलने की तड़तड़ाहट की आवाज़ है और जो वेपन है जिसमें LMG है, LMG एक ऐसा वेपन है जो बहुत हाईटेक वेपन माना जाता है और ये अमूमन ऐसे ही नहीं मिल जाता। जहाँ पे बटालियन की टीम हो या प्लाटून की टीम हो, जो लड़ाकों की, माओवादियों की जो लड़ाकों की टीम होती है, उनके पास इस तरह के हाईटेक वेपन होते हैं। तो उस हथियार का मिलना प्लाटून नंबर कंपनी नंबर 2 की टीम के साथ में ये मुठभेड़ बताया गया था। मुझे लगा कि ये मुठभेड़ वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी और बहुत बड़ा मुठभेड़ था, क्योंकि कल सुबह से इस मुठभेड़ की जानकारी आ रही थी और पहले था कि 2 माओवादी मारे गए, फिर धीरे 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 आज सुबह ये आंकड़ा 13 में जाकर थम गया और हथियारों की सारी वीडियो मैंने आपको दिखाया। अब ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे थे तो गंगालूर के इलाके में हमको जाना था बीजापुर से, बीजापुर से हम निकले। इत्तेफाक से बहुत सारे जो पत्रकार साथी हैं वो भी आज, सबको लगा कि ग्राउंड रिपोर्ट करनी चाहिए। आप देखेंगे सर, ये जितने लोग हैं हर कोई बीजापुर के और कुछ रायपुर से भी आए हुए पत्रकार हैं। बीजापुर से जैसे ही हम निकले तो केंद्रीय रिजर्व बल जो है 85 बटालियन का ये मुख्यालय है गंगालूर क्षेत्र में, ये पहला कैंप था और यहाँ आते ही सबसे पहले ये बैरिकेड लगा हुआ था और यहाँ पर जवान खड़े हुए हैं। आप देखें चारों तरफ CRPF के जवान, इन्होंने सबसे पहले हमें रोका। अब देखिए ये सिविलियन आ रहे हैं, इन्हें किस तरह से रोका जाएगा, पूछा जाएगा, इसे आप देखिए, आप कैसे उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ऐसे ही अगर उस तरफ से भी कोई आएगा तो उसको भी चले जाने दिया जाएगा। लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी थी कि मीडिया आज वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएगी और अगर ग्राउंड पर जाएगी तो वहाँ की क्या सच्चाई है वो सामने आ सकती है। और मुझे लगता है कि मुठभेड़ तो बड़ी हुई है, लेकिन हम वहाँ जाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले CRPF ने हमें रोका, सबके नाम नंबर नोट किए गए और कहा गया कि जो शीर्ष के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद, उनके आदेश के बाद ही हमें जाने दिया जाएगा। वहाँ से आदेश आया नहीं, लगभग 2 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं और 4 बजने को है शाम को, और अब अगर आदेश आ भी जाएगा तो हमारा वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है। मैंने अभी CRPF के जवानों से बातचीत की तो बताया कि यहाँ से गंगालूर तक रास्ते में हमको इसी तरह के 5 कैंप और पड़ेंगे
और हर कैंप में इसी तरह से हमारी तफ्तीश की जाएगी, पूछताछ और नंबर लिया जाएगा, फ़ोटो खींचे जाएंगे। तो हार कर अब हम यहाँ से वापस बीजापुर लौट रहे हैं। ये वीडियो तैयार करने का मकसद ये था कि बहुत सारे दर्शकों ने ये कहा था कि सर इस पर ग्राउंड रिपोर्ट करें, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं अभी इस वीडियो तक तो नहीं पहुँच पाया। कोशिश करेंगे कि अगर हम यहाँ से जा पाएँ, कल जा पाएँ, तो भी कोशिश करके देख लेंगे। बीजापुर में एक दिन रुक के देख लेंगे आगे की कोशिश। जो देखिए आप, एक सिविलियन है तो उसको रोका गया, और रोकने के बाद उसे बस ये पूछताछ किया जाएगा। और जिस तरह से आपसी बातचीत हो रही है, लग रहा है कि ये लोग जो है रोज़ का आना जाना है। तो इस तरह से हर आने जाने वाले लोगों को यहाँ CRPF के लोग रोकते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हमें जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, इस पर सवाल है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर बहुत सारे माओवादियों के द्वारा लगाए गए ID बम हैं, और उस पर भी कई सवाल हैं, और मुझे लगता है कि उसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। किस तरह से मुठभेड़ हुआ था, कैसे बड़ी सफलता जवानों को मिली, और जवानों के लिए गर्व का विषय है, बड़ी सफलता मिली है। तो इस पर हकीकत कि जवानों ने कितनी बहादुरी से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, सारी सच्चाई। लेकिन फोर्स नहीं चाहती, पुलिस के अधिकारी नहीं चाहते कि ये सारी सच्चाई सामने आए, कारण जो भी हो। दर्शकों ने कहा था तो मुझे लगा ये वीडियो बना कर रख लूँ, ताकि उन्हें ये ना लगे कि विकास जो है बस्तर टॉकी जो है ग्राउंड पे पहुँचा ही नहीं। तो ये जो बात थी मैंने आपको बताया। अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट करना बस्तर में और ज़्यादा कठिन है, मतलब आप करना भी चाहेंगे तो आपको इस तरह से रोका जाएगा बहुत सारी सच्चाई को सामने लाने से। उसके बावजूद अगर बस्तर टॉकीज किसी तरह से पैदल चल के, मोटरसाइकिल से, नाव पार करके वहाँ तक पहुँचता है और कहानियाँ आप तक लाता है, तो कम से कम आप भी इतना मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें और बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।